हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मनु खाना खजाना में। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है छोले भटूरे। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे भटूरे की रेसिपी। छोले की रेसिपी हमने पहले ही शेयर कर दी थी कि हम कैसे छोले बनाते हैं, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए देखते हैं कि भटूरे बनाने के लिए हमने क्या क्या सामग्री ली है। तो हमने लिया है लगभग 3 पाव मैदा, दही 1 कटोरी, 1/2 टेबल स्पून मीठा सोडा, 1 टेबल स्पून नमक और 1 कटोरी रिफाइंड तेल। मोवन के लिए हम भटूरे को तलने के लिए भी रिफाइंड तेल ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सूखी सामग्री 1/2 चम्मच मीठा सोडा और नमक को इस मैदे पे अच्छे से मिला लेते हैं। आप जितना मैदा ले उसी हिसाब से सारी सामग्रियों को बढ़ाएं या घटाएं। हम ले लेते हैं 1 कटोरी पूरा तेल, क्योंकि भटूरे में मोवन ज्यादा ही लगता है। जितना ज्यादा हम मोवन का यूज करेंगे उतना ही एक सॉफ्ट भटूरे बनेंगे। इनको अच्छे से मैदा में मिक्स कर लेंगे। अभी भटूरे के हिसाब से थोड़ा मोवन कम लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा और तेल डाल लेते हैं। तो हमने लगभग 1/2 कटोरी और रिफाइंड ऑयल मैदे में मिक्स कर लिया। इसको भी अच्छे से मैदे में मिक्स करेंगे। अगर आपको कम तेल यूज करना है तो आप कम करिए। ये एकदम मार्केट जैसे भटूरे बनाने होते हैं तब हम ज्यादा तेल का यूज करते हैं। तो आज हम एकदम मार्केट जैसे भटूरे बनाने जा रहे हैं। ये देखिए इतना तेल यूज हो गया कि एकदम से बनने लग गया है। अब हम इसमें यूज कर लेंगे दही का। तो हमने 1 कटोरी दही लिया है और हम सारी दही का यूज करेंगे। 1 कटोरी स्मॉल साइज की है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब देखिए मैदा लगभग 1/2 गूंथ चुका है। अब इसमें जितना भी बचा है तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम एक साथ पूरा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा गीला भी हो सकता है। हम भटूरे का आटा थोड़ा गीला लगाएंगे, इससे इसको बेलने में भी आसानी रहती है और भटूरे भी अच्छे बनते हैं। तो देखिए हमने आटे को इतना गीला लगा लिया है। अब इसको हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा के गीले कपड़े से 1/2 घंटे के लिए ढक के रख देंगे, जिससे कि मैदा अच्छे से सेट हो जाए। तो हम लगा लेते हैं हल्का सा तेल। तो हम इसमें लगा लेते हैं थोड़ा, अपने हाथ में तेल लगा के इस पे अच्छे से चिपक देते, बहुत ज्यादा नहीं लगा, जिससे ये अच्छे से समेट जाए। अच्छे से देखिए तेल लगाने के बाद समेट गया है। अब हम इसमें गीले कपड़े से इसको ढक देंगे और 1/2 घंटे तक इसको रखा रहने देंगे। ये हमने इसको गीले कपड़े में ढक दिया है और 1/2 घंटे तक इसको ऐसे ही रख देंगे। तो ये देखिए आटा अच्छे से फूल हो गया। हम थोड़ा सा इसको हाथ में तेल लगा के मसल देते हैं अच्छे से। और ये देखिए एकदम मार्केट में जैसे वो लोग गीला गीला आटा गूंथते हैं वैसे ही गूंथा है। बस इसको ये बहुत अच्छे से फूल गया है। अब हम इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और फिर इसके भटूरे बना लेंगे।
खट्टा अच्छे से लग गया है, फूल गया है और हमने इसको तेल लगा के अच्छे से रख लिया। अब हम इसकी बराबर आकार की लोइयां काट लेंगे। तो इसी तरह से सारी लोइयों को बना लेंगे और फिर इसको बेल लेते हैं। थोड़ा सा तेल ले लेते हैं और हम इधर कढ़ाई को गैस में रख दिए हैं जिससे कि वो गर्म हो जाए तेल, और अब हम इसको बेल लेते हैं। आप किसी भी आकार का बेल सकते हैं, आप चाहे तो गोल बेल सकते हैं, हम इसको लंबा लंबा बेलेंगे। हम इसको गैस प्लेटफॉर्म में बेल रहे हैं, आप चाहे तो पटे का भी यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसको बेलेंगे, अच्छे से पतला बेलेंगे क्योंकि बाद में थोड़ा छोटा भी हो जाता है। ये देखिए ये अच्छे से बेल गया है, अब हम इसको सिरा लेंगे। ये देखिए भटूरे कितने अच्छे से फूल रहे हैं, एकदम मार्केट के जैसे भटूरे आपके बनेंगे। तो इसी तरह से हम सारे भटूरों को बेल लेंगे और सेक लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं। और ऐसे ही हम कढ़ाई को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तो ये देखिए छोले भी हमारे बनके तैयार हो गया है और भटूरे भी एकदम से बनके तैयार हुआ है, एकदम सॉफ्ट भटूरे बने हुए हैं और ये खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी हैं। तो आप भी जरूर एक बार इसी तरह भटूरे बनाने की कोशिश करिए। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। थैंक यू।